हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान। मोहम्मद लुकमान, बताइएगा, पंजाब हुकूमत गैर मंजूर शुदा रिक्शों को बंद कर रही है, रिक्शा मालिकान जो हैं उनका इस बारे में कोई मौकिफ सामने आया? जी बिल्कुल, एक जो रिक्शा मालकान का तो यही कहना है कि चूंकि उनका रोजगार से जुड़ा हुआ है तो इसलिए जो हुकूमत या थोड़ा सा इसे डिले करे, इसे फेज आउट करे तरीके से, पहले इनको मौका दे कि वो कोई मुतबादल कारोबार शुरू कर सके। लेकिन जो अगर आप चिंची रिक्शे की हिस्ट्री में जाए लाहौर में, तो तकरीबन 80,000 रिक्शा है लाहौर की सड़कों पर, जिनमें से सिर्फ 20% ऐसा रिक्शा है जो कि रजिस्टर्ड है, जिनके लोगों जो कह लें कि रजिस्टर्ड भी। और सेकंडली जो सबसे बड़ा मसला है वो इनके ड्राइवर्स हैं जो चलाने वाले, और अक्सर अंडर एज हैं। बहुत सारे ऐसे ड्राइवर हैं जो कि 18 साल से कम उम्र के, और खासतौर पे जब से अफनान के सामने आया DHA वाला, उसके बाद पुलिस भी इसके इनके बारे में काफी। कितने परसेंट लोग इससे मुतासिर होंगे? यकीन एक बहुत बड़ी तादाद है। ये रिप्लेसमेंट थी टांगे की। अगर आप देखें तो लाहौर की सड़कों पर सन 2000 तक 1999 तक टांगे चलते थे जी। उसकी ये रिप्लेसमेंट थी। चिंची पहली कंपनी थी जो आई। अगरचे इस वक्त जो जितने मोटरसाइकिल रिक्शा हैं चिंची के बहुत कम है, लेकिन एक नाम बन गया जो कि पहली कंपनी चिंची थी तो उसकी वजह से उसका नाम है। अब इसका देखें, अगर पोल्यूशन में देखें, जो एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का एक स्टडी है, तो तकरीबन जो है इसके जो कंट्रीब्यूशन है चिंची रिक्शा और जो मोटरसाइकिल है उनकी 63% है जो कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट। तो लुकमान, फिर इसका ये मतलब है कि अगर इन मोटरसाइकिल रिक्शों को बंद किया जा रहा है तो इसकी बुनियादी वजह फजाई आलूदगी की है, मतलब उसमें कमी लाने के लिए इनको बंद किया जा रहा है। यकीनन ये एक फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है कि साफदार है कि जब एक मेंटेनेंस नहीं कराते वो लोग, अब उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। सेकंड जो चीज़ है पेट्रोल, पेट्रोल का जो इस्तेमाल है पाकिस्तान में ओवरऑल ही वो कोई इतना बहुत बेहतर नहीं। यूरो 5 तो बहुत कम इस्तेमाल होता है जो इंटरनेशनली होता है, तो ये एक फैक्टर वो भी है। तो इस वजह से जो एक तासर भी बना हुआ है कि चिंची जो है उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मेंटेनेंस कोई नहीं है, कोई ख्याल नहीं किया जाता। इस पॉलिसी पर फिर अमल दरामद कब से शुरू होगा? मतलब फौरी तौर पर ही इस पर अमल दरामद होगा और ये रिक्शे बंद कर दिए जाएंगे? क्योंकि बात तो ठीक है, एक बड़ी तादाद है कि जो रोजगार कमाती है इस तरीके से, तो वो उनकी सारी फैमिलीज डिस्टर्ब होंगी। तकरीबन आप समझे कि 1 लाख अफराद जो है वो तो ड्रग वही है जो चलाते हैं 80,000 के करीब, और एक बहुत बड़ी तादाद वो है जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम इसके साथ जुड़ी होगी। जैसे अच्छा, लुकमान, हमने जो लोग रिक्शा चला रहे हैं, जो रिक्शा ड्राइवर हैं, उनको तो नुकसान होगा ही होगा, उनके घर का रोजगार बंद होगा। उसके साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिक्शों में सफर करते हैं रोजाना की बुनियाद पर, उनको भी इससे नुकसान होगा। तो इस सारी सूरत हाल में रिक्शा यूनियन की जानिब से क्या मौके सामने है? देखिए, एक बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपके पास कोई और ट्रांसपोर्ट लाहौर में है ही नहीं। हाँ। टांगे होते थे गए तो ये लोग ये आ गए। अब सूरत हाल ये है कि आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतनी है नहीं क्योंकि कैटर कर सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी है नहीं कि जो सफरी सहूलियात हैं कैटर किया जा सके। लुकमान, बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम डेवलपमेंट है उससे मुतलिक आगाह किया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात वाकयात यकीन के साथ।